गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। सब लोग संस्कृत में आज देखिए और सब लोग वीडियो सही से देखिएगा और होमवर्क भी आपका इसी में दिया जाएगा, ठीक है? सभी लोग को होमवर्क करना ज़रूरी है। फेयर कॉपी सब लोग बना लीजिए क्लास फोर्थ और आपका संस्कृत में चैप्टर 1 हो गया था, 2 हो गया था और फिर आपके चैप्टर कौन सा है, 3, कोकिल दंपत्ति। कोकिल दंपत्ति मतलब दो कोकिलों का जोड़ा, दो कोयलों का जोड़ा, ठीक, इसे कोकिल दंपत्ति कहते हैं। हम लोग रीड करेंगे, एकदा एकस्मिन वने एकस्य वृक्षस्य कोटरे कोकिल दंपत्य अवस्ताम तस्य वृक्षस्य समीपे एक कृष्ण सर्प अपव्यव सत सा खगानाम अपत्यानि अखादत। पढ़िए, एकदा एकस्मिन वने एकस्य वृक्षस्य कोटले कोकिल दंपत्य अवसत ताम। एक बार एक वन में पेड़ के खोखर में मतलब पेड़ के कोई घोंसला होगा, खोखर में मतलब जाल में कोयल का जोड़ा रहता था। उस पेड़ के पास एक काला सांप भी रहता था। तस्य वृक्षस्य समीपे एक कृष्ण सर्प अप्यवसत। कृष्ण सर्प मतलब काला सांप भी रहता था उस वृक्ष के समीप में, मतलब एक उस वृक्ष के पास में ये काला सांप भी रहता था, ठीक। स खगानाम अपत्यानि खदात अखदात अख अखादत, ठीक। वह पक्षियों के अंडे को खाता था। स खगानाम अपत्यानि अखादत, वह पक्षियों के अंडों को खाता था। इत्यर्थम सर्वे खगा अति दुखिता आसन, इसलिए सभी पक्षी बहुत दुखी थे। एतत् दृष्ट्वा कोकिल दंपत्ति अपि भयेन आक्रांतौ आस्ताम, इसलिए सभी पक्षी बहुत दुखी थे। यह देखकर कोयल का जोड़ा मतलब पति पत्नी भी भय से आतंकित था, ठीक है, वो भी डरते थे। कोकिला अकथयत कथम अस्य कृष्ण सर्पस्य नाशा भविष्यति। कोकिला अवदत, स्वामिन एतत् तु मे असंभवम प्रतिभाति। कोयल ने कहा, इस काले सर्प का नाश कैसे होगा? कोयल मतलब उसकी पत्नी बोली, कोयल की ने कहा, स्वामी यह तो मुझे असंभव लगता है। तो उसने कहा अपने पति से कि एतत् तु मे असंभवतम प्रतिभाति, यह मुझे असंभव लगता है। तो इसमें थोड़ा मैंने आपको आधा चैप्टर लिया है, आधा चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने थोड़ा आधा लिया है, आधा आपको बाद में बताऊँगी। इसमें दो कोयल होते हैं जो दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो वो एक घोंसले में रहते हैं और उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो घोंसला बना पति पत्नियों का, तो उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता है, तो वो सारे पक्षियों के अंडों को खा जाता है, तो इससे पक्षी बहुत दुखी होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि इस सांप का सर्वनाश कैसे होगा, तो वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत असंभव सा लगता है, ठीक। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, फिर इसके आगे की जो कहानी होगी मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। अब ये आधा चैप्टर है, आधा चैप्टर मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर ये देखिए, आपको सेकेंड चैप्टर में से होमवर्क करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, या आपको बुक में करना है। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं चैप्टर सेकंड का है, ये जो चैप्टर सेकंड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मम दिनचर्या,
ये चैप्टर सेकंड का है, इसी का जो होमवर्क है, तो आप लोग चैप्टर का नेम डालिएगा, शब्दार्थ तो मैंने शायद दिया था आप लोग को, क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति बुक में करना है, ठीक। और ये जो है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए, बुक में करिएगा, ठीक। उदाहरण के अनुसार ये बुक में, निम्नलिखित शब्दों में संस्कृत में लिखिए, ये कॉपी में करना है, ठीक है, चा वाला कॉपी में करना है, और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, बाकी आपको सब बुक में करना है, यही आपको का होमवर्क है, ठीक है क्लास। इस चैप्टर को पढ़िएगा, इससे को आप चैप्टर थर्ड को सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक, और चैप्टर सेकंड में जो आपका बुक वर्क है, जो कॉपी वर्क है, वो जल्दी से कंप्लीट करिएगा, ओके क्लास, ठीक है ना, करिएगा, ओके, थैंक यू।